हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लोज टू नेचर में। बरसात का आगमन हो चुका है और ये टाइम है बेस्ट अपने किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जितने भी आपके ऐसे प्लांट हैं जिनके आपकी रिपोर्टिंग करनी हो, तो अपने मन मन में तैयार कर लीजिए और सभी प्लांटर्स ले आइए, कंपोस्ट तैयार करिए, अपनी सॉयल तैयार रखिए। और ऐसे ही आज मैंने करना है अपने इस शमी के प्लांट की रिपोर्टिंग। ये प्लांटर इसके लिए काफ़ी छोटा हो गया है और मुझे इसको रिपोर्ट करना था। मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी, तो आज है सैटरडे और आज मैं इसी से ही इसका नेक्स्ट, ये इससे बड़ा प्लांटर है, इसमें इसको रिपोर्ट करूंगी। तो सबसे तो पहले ये प्लास्टिक का प्लांटर है। अब धीरे धीरे मैंने सारे जो मेरे मिट्टी के थे, सबसे अच्छे होते हैं पर वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी। आपको मैंने दिखाया भी था, तूफान के टाइम टूट गए थे। दूसरे सीमेंटेड बहुत हैवी हैं, बैकिक भी होने लगा और उनको उठाने में यहाँ वहाँ रखने में बड़ी दिक्कत होती है और वो भी झड़ जाते हैं, मेंटेनेंस बड़ी उनकी मुश्किल है। तो प्लास्टिक के लेने शुरू कर दिए और ग्रो बैग। तो इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे हॉल कर लीजिए और उसके बाद इन्हीं सभी हॉल्स पर मैंने कुछ तो रखा नारियल हस्क और कुछ में छोटे छोटे पत्थर के या ठेकरे जो मटकों के होते हैं वो भी रखूंगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर भर दिए अपने गार्डन के ही सूखे पत्ते और अब मैंने ये अपनी सॉयल तैयार की। ये मेरी गार्डन सॉयल है और इस साइड मेरी ये सारी पत्तों की खाद है जो मैंने खुद ही घर पर बनाई। कुछ डाले मैंने इसमें नीम खली और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती और इसमें एक और चीज डालूंगी फंजीसाइड और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने प्लांट को प्लांटर में से निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या तरीका है कि अपने इसको थोड़ा सा टैप कीजिए किसी भी हैवी चीज से। उससे क्या होगा कि जो सरफेस से जो मिट्टी अटैच है वो धीरे धीरे इसकी सरफेस को, जो प्लांटर है उसकी सरफेस को छोड़ना शुरू कर देगी और एज इट इज हमारा पूरा गमला बाहर आ जाएगा। इसको इस तरह से किसी चीज पर रखकर, ये रखकर फिर किया जाए। ये देखिए मेरा पूरा का पूरा ये प्लांटर में से प्लांट बाहर आ गया। लेकिन इसकी रूट्स देखिए किस तरह से, मैं आपको दिखाऊं, इन सब रूट्स को, बाहर वाले रूट्स को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम खोल देंगे इन्हें ताकि ये नई जगह को एडेप्ट कर सकें और ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं तो उनको हटा भी सकते हैं, वरना इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ओपन कर देंगे। थोड़ी बहुत ये जो अपनी एक्स्ट्रा रूट्स हैं इनको हम कट भी कर देंगे क्योंकि बहुत जल्दी ही फिर से ये उस गमले को घेर लेंगी और फिर इसके रूट बाउंड होने का खतरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो इतनी एक्स्ट्रा रूट्स हैं इनको मैं कट कर दूंगी। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अंदर तक ना पहुंच जाए, थोड़ा थोड़ा करते करते। तो थोड़े की अपनी लिमिट एक बना लीजिए कि जैसे मेरी अब हो गया ये थोड़ा, और ये वाली जो है इनको मैं कट कर देती हूँ सीजर से। अब लीजिए इसके अंदर प्लांट, एक्चुअली पहले मेरा थोड़ा ये टेढ़ा था तो अब मुझे मौका मिल गया, मैं इसे थोड़ा सीधा कर दूंगी। इसके अंदर रखा और अब साइडों से इसके अंदर मिट्टी भर देंगे। लीजिए हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई और अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो एयर गैप है मिट्टी के अंदर वो सब कवर हो जाए और बबल्स के थ्रू जितनी भी हवा है वापस आ जाएगी और हमारी अच्छे से मिट्टी जम जाएगी। अगर मिट्टी नीचे हो जाएगी तो थोड़ा सा और मिट्टी डाल देंगे हम। तो इस तरह से आप भी अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही देखिए खूबसूरत सनसेट। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और ब्यूटी के साथ, कुछ और खूबसूरती के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।